इनके भाई जो है पहले ये ताशा पार्टी को संभालते थे, लेकिन इनके भाई को जो है फौज में नौकरी लग गया तो वो फौज में चले गए और वहां पर अब जो है देश को सेवा कर रहे हैं और ये जो है अब ताशा पार्टी बजाते हैं और साथ ही साथ जो है पूरा टीम को संभालते हैं और अपनी विरासत को बचाए हुए हैं, क्योंकि इनके पिताजी भी जो थे ताशा ही बजाते थे और इनके भाई बजाते थे तो भाई फौज में चले गए, उसके बाद ये बजाते हैं। क्या नाम हुआ आपका जी? करण कुमार। करण, आप क्या बजाते हैं? झुनझुना। अच्छा, झुनझुना हमको मालूम ना, ऐसे बजा रहे थे हम। अच्छा, बजा रहे थे झुनझुना भाई। बजाना कितना दिन में सीख गए? यही मतलब 4-5 सटा में। 4-5 सटा में झुनझुना बजाना सीख गए? हाँ। भार वाला काम है कि आसान वाला? आसाने है। आसाने है। हाँ। चलिए, कोई वो इतना भार नहीं है, झुनझुना बजाना है भाई। पढ़ाई लिखाई करते हैं कि नहीं? हाँ। कौन क्लास में? 10th में। 10th में। अच्छा, 10th में भी हैं? हाँ। तो झुनझुना काहे बजाते हैं? मतलब थोड़ा सा पैसा वैसा की दिक्कत हो जाता तो आ जाते हैं। सोचिए जरा कि ये लड़का जो है खुद से जो है झुनझुना बजा करके खुद मेहनत करके पढ़ाई कर रहा है, क्या बनना है पढ़ लिख करके? अभी तो सोचे नहीं, ऐसे कुछ बड़ा ही बनना है। कुछ बनना ही बनना है? हाँ। अरे कुछ नहीं बनेंगे तो कम से कम झुनझुना बजाएंगे ना? नहीं नहीं, झुनझुना नहीं बजाएंगे। अच्छा, झुनझुना नहीं बजाना। आज मैं आपको एक ऐसे युवा की संघर्ष की कहानी बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में आप सुनेंगे तो हैरानी होगी। आप पहले फ्रेम में देखिए, ये जितने सारे लोग दिख रहे हैं सब के सब युवा है और ये जो है ताशा पार्टी के पूरा जो है टीम है और हमारे साथ ये ताशा पार्टी के बजाने वाले जो लीडर हैं, जो सीनियर हैं, ये कुलदीप राज हैं और इनका बजाने का जो अंदाज है ऐसे बजाते हैं जैसे लगता है कि ढोल फट जाएगा और इतना अच्छा नाच नाच के बजाते हैं कि कहिए मत। पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद देखिए कि कितना अच्छा ये लोग बजाते हैं। वीडियो तो देख लिया कि कितना अच्छा बजाते हैं। अब जानते हैं इन लोगों के बारे में कि ये लोग जो है कहां के रहने वाले हैं और आज मुझे ये रात में इस समय यहां पर मिले हैं और इनका ताशा पार्टी का नाम है माया शक्ति ताशा पार्टी और ये जो है बिहार के नहीं बल्कि बिहार के बाहर के रहने वाले हैं और वहां से आकर के बिहार में ये लोग जो है बजाते हैं और जगह जगह पर जा करके बजाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और इनमें से कई लोग जो है तैयारी भी करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ काम करते हैं। तो आइए इन लोग से जानते हैं। सबसे पहले ये जो ताशा पार्टी के जो मालिक हैं और सबसे हेड हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम बताएं आप? कुलदीप कुमार। कुलदीप कुमार जी। कहाँ के रहने वाले हैं? झारखंड के रहने वाले हैं। अच्छा, झारखंड के रहने वाले हैं? झारखंड में कहाँ के रहने वाले हैं? चतरा डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा, चतरा के रहने वाले हैं। हाँ। अच्छा कुलदीप जी, ये बताइए कि कितने लोग अभी आपके टीम में है? ये 24 लड़का का ग्रुप है। अच्छा, 24 लड़का का एक ग्रुप होता है? एक ग्रुप होता है। अच्छा,
एक ग्रुप में दो दर्जन लोग रहते हैं यहाँ? हाँ, दो दर्जन लोग। अच्छा, साटा जब बुक होता है साटा ही बजाने जाते हैं? हाँ जी हाँ। क्या क्या चीज में आप लोग बजाने जाते हैं? शादी में जाते हैं और पार्टी में हो गया, जुलूस में हो गया, विसर्जन में को हो गया, और बहुत ऐसा फंक्शन में हम लोग जाते हैं, बर्थडे हो गया। तो अभी आप झारखंड से यहाँ पर बजाने के लिए आए हैं? जी हाँ, झारखंड से ही आए हैं। आप लोग बजाते बहुत अच्छा। तो आप लोग सभी लोग युवा हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए तो 18 साल के बाद ही हो गया, यानी कि सब लोग 18 साल सबको है ना जी, कम का नहीं ना कोई, हो सब 18 साल के है और उससे ज्यादा के ही है, कम का तो नहीं है लग रहा है, कम का कोई नहीं है। चलिए, कोई डरना नहीं है, लेकिन ये जो है आप देखिए कि सारे युवा जो लोग हैं इतना अच्छा बजाते हैं, सब के एक जितने लोग हैं सब में अपनी टैलेंट है, सब एक से बढ़कर एक है। कोई ताशा बजाता है तो कोई वो छोटा वाला ढोल बजाता है, कोई बैंजो, बैंजो कौन बजाते हैं? ये सारा खेल तो इन्हीं का होता है। पीछे आइए, इधर आइए, बैंजो मालिक है, ऊपर में जो है वहां दिखाइए, ऊपर में जो बैठ करके ये बैंजो बजाते हैं और उसके बजाते हैं। अंदर सीट में बैठ के बजाते हैं। कहाँ बजाते हैं? यस। अच्छा, तो आप बजाते रहते हैं तो आपका इशारा वहाँ रहता है, कहाँ रहता है? इनके पास में रहता है मेरा इशारा। अच्छा, इनको देखते हैं? हाँ, देखते हैं। हाँ, कब किस टाइम क्या करना है इनको देख के हम ये करते हैं। क्या नहीं, इशारा करते हैं भैया? कैसा इशारा करते हैं? आँख से इशारा ही हो जाता है, आँख से इशारा हम लोग कर लेते हैं। आँख हाथ का? हाँ, बस बस यही, पैर का भी इशारा होता है। अच्छा, ये सब चीज बजाने का आप लोग सीखे कहाँ से? बस बहुत पूर्वज से जी चलते आ रहा है बाजा बजाने के लिए। आप अपने पूर्वज से ही सीखे थे? हाँ, पूर्वज लोग जो चलते आ रहा है उसी से धीरे धीरे ये हुआ हम लोग को। आपके दादा भी बजाते थे क्या? नहीं, दादा को तो पता नहीं है, लेकिन पापा ये सब बजाते थे, भैया बजाते थे। हाँ, भैया सब बजाते थे, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग भी ये कर लिए। ये बजाने का शुरुआत सबसे पहले आपके घर में आपका पापा की? हाँ। उसके बाद आपके भैया बजा रहे? हाँ। उसके बाद फिर आप बजा रहे? हाँ। फिर आपके भैया और पापा भी बजाते हैं? अभी तो वो लोग नहीं बजा रहे, अभी तो भैया तो ड्यूटी में है, अभी तो हम ही सब ड्यूटी करते हैं, वो पुलिस में है अभी। पुलिस में चले गए? हाँ। ये बजाने के साथ साथ तो तैयारी भी करते? हाँ, तैयारी भी करते थे। उसके बाद जॉब लग गया तो काम छोड़ दिया? हाँ, ये छोड़ दिया, अभी फिर हम इसको संभाल रहे हैं। आप भी तैयारी करते हैं? हाँ, अभी करते हैं, हम भी करते हैं। क्या चीज की तैयारी करते हैं? बीएसएफ का तैयारी कर रहे हैं। बीएसएफ का? अरे बाप रे बाप, क्या बताइए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का तैयारी कर। अच्छा अच्छा, चलिए बगल में ये है, इनका भी बजाने का जो तरीका है बहुत शानदार। ये दोनों बीच में रहते हैं आप लोग? जी हाँ, ये दोनों ऐसे ही रहते हैं, दो कतार में रहते हैं, बीच में ये दोनों रहते हैं, और उसके बाद साइड में जो है एक झुनझुना लेके कौन झाल कौन बजा रहा था जी? ओदे है सर, यहाँ पे। क्या कहा गया, क्या नाम है तुम्हारा? जी कृष्णा कुमार। कृष्णा, ये इतना अच्छा झाल बजाता है कि मत पूछिए, वीडियो में जब आप देखेंगे इसको झाल बजाते हुए तो इसका फैन हो जाएंगे। वाह, बाल भी रखा है एकदम बहुत बिजोर। क्या नाम बताया? कृष्णा कुमार। पढ़ाई भी करते हो जी? कौन क्लास में? इंटर में। अभी इंटर में पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, क्या बनना है पढ़ लिख? झाल ही बजाना है कि कुछ और भी पढ़ना? नहीं, कुछ और बनना है। चलो कुछ और ना बने, कम से कम झाल तो बजाएंगे ना? नहीं, वो तो झाल तो नहीं बजाएंगे, अभी थोड़ा ये चल रहा है तो इसके वजह से बजा रहे हैं। हाँ। बस पढ़ लिख के कुछ और बनना है। पढ़ लिख करके कुछ और बनना है, लेकिन थोड़ा पैसे की दिक्कत है इसलिए ये झाल बजाते हैं जी। अरे कुछ भी करो लेकिन झाल ही बजाओ, लेकिन झाल इतना अच्छा बजाओ कि आपके झाल बजाने के लोग दीवाने हो जाए, और उस झाल बजाने के देखने के लिए लोग दूर दूर से आए है कि नहीं? जी हाँ, है ना। लेकिन आप लोग जो इतना अच्छा बजाते हैं इसका बारे में तो कहिए नहीं, बहुत शानदार बजाते हैं। अच्छा, आपकी आप भी पढ़ाई करते हैं? नहीं नहीं, हम तो अभी पढ़ाई फिलहाल नहीं करते हैं। हाँ। शादीशुदा हो गया है। क्या करते हैं? मोटा ठेकेदारी काम करते हैं, बजाते भी है। पूरा दम शांत से सुन रहा है। क्या नाम हुआ जी? आशीष कुमार। अच्छा, पढ़ाई करते हैं? हाँ। क्या चीज की तैयारी कर रहे हैं अभी तक? अभी फिलहाल बैंकिंग करने की तैयारी कर रहे हैं, कॉमर्स लेके। बैंकिंग की तैयारी करते हैं जी। उसके बाद ये जो है ताशा पार्टी में भी बजाते हैं? हाँ जी। तो ये कितना दिन आप लोग का ये काम चलता है ये वाला? ये हम लोग का सीजन में पूरा ही रहता है। अच्छा, पूरा सीजन में रहता है। उसके बाद फिर तब तक तो पढ़ाई कम बंद रहता होगा? हाँ, उसके बाद फिर बरसात में जितना दिन बाजा बंद रहता है उतना दिन पढ़ाई करते हैं, और भी फिलहाल में जब घर जाते हैं तो उसमें भी पढ़ाई करते हैं। अच्छा, घर चले जाते हैं तब फिर पढ़ते हैं ना जी? लेकिन फिर उसके बाद ताशा पार्टी ही बजाते रहते हैं जी। हाँ, तो देखिए जो ये सभी लोग जो है ये ताशा पार्टी वाले ताशा बजाने वाले हैं। देखिए इधर से आइए आइए आइए, देखिए ये जो है ये हमारे फैन आ गए हैं। देखिए कैसे हैं? ठीक हुआ ठीक हुआ ठीक है ना?
चलिए तो ये इन्हीं के भाई के शादी में बजाने गए थे ना आप लोग, पैसा यही दिए हैं, पैसा काटे नहीं ना है ना, एडवांस मिला है और भी ज्यादा दिलाए हैं, मिला है ना सबको। नहीं आप लोग बहुत अच्छा जो बजाते हैं, आप लोग डांस भी शायद करते होंगे भांगड़ा की तरह, जो एकदम पूरा एकदम एक पे एक एकदम गजब, बहुत बिजोर। ऐसे बिहार में नहीं होता है, बिहार जो होता है चोर कटाई करता है, तनी का जिसको पसीना चलने लगा वो फूकना ही बंद कर देता है, वो पीछे हट जाता है। इसीलिए झारखंड से लोग बुलाना चालू, लेकिन कहना नहीं है, इन लोग को टैलेंट है और इस टैलेंट के लोग कदर करते हैं, इस टैलेंट को ही लोग पैसा दे करके झारखंड से यहाँ बुलाते हैं। कितना किलोमीटर दूर है यहाँ से? 300 किलोमीटर यहाँ से दूरी है। सोचिए कि 300 किलोमीटर से ये लड़का जो है, पूरा टीम 2 दर्जन लोग जो है यहाँ पर बजाने के लिए आए हैं। जरा सोचिए क्या यहाँ बिहार में ऐसे टैलेंट नहीं है? है, टैलेंट तो कमी नहीं है बिहार वासियों के पास, टैलेंट तो कुट कुट के भरा हुआ, इतना टैलेंट है कि कहिए मत, लेकिन इतना मेहनत नहीं कर पाता है लोग जितना ये लोग कर रहे हैं। झारखंड के लोग और भी ऐसे ताशे वाले हैं, इनको ही नहीं बात कर रहा हूँ, और भी ताशे वाले हैं, वो लोग भी अच्छा बजाते हैं, मैं देखा हूँ, लेकिन इन लोगों के पास जब देखा तो कहना नहीं है, बहुत शानदार बजाते हैं। और ये इनसे बातचीत करते हैं, क्या नाम हुआ आपका जी? करण कुमार। करण, आप क्या बजाते हैं? झुनझुन्ना। अच्छा झुनझुन्ना, हंसना नहीं है, झुनझुन्ना, बहुत अच्छा झुनझुन्ना बजाते हैं, बजा रहे थे, देखे हम आपको बजाते हुए। हमको मालूम नहीं, ऐसे बजा रहे थे हम। अच्छा बजा रहे थे झुनझुन्ना भाई। हाँ। अच्छा तो झुनझुन्ना बजाना कितना दिन में सीख गए? यही मतलब 4-5 सटा में। 4-5 सटा में झुनझुन्ना बजाना सीख गए? हाँ। भार वाला काम है कि आसान वाला? आसाने है। आसाने है। हाँ। चलिए कोई इतना भार नहीं है, झुनझुन्ना बजाना है भाई। पढ़ाई लिखाई करते हैं कि नहीं? हाँ। कौन क्लास में? 10th में। 10th में, अच्छा 10th में भी हैं। हाँ। तो झुनझुन्ना कहाँ बजाते हैं? मतलब थोड़ा सा पैसा वैसा दिक्कत हो जाता तो आ जाते हैं। सोचिए जरा कि ये लड़का जो है खुद से जो है झुनझुन्ना बजा करके खुद मेहनत करके पढ़ाई कर रहा है, क्या बनना है पढ़ लिख करके? अभी तो सोचे नहीं, ऐसे कुछ बड़ा ही बनना है। कुछ बनना ही बनना है? हाँ। अरे कुछ नहीं बनेंगे तो कम से कम झुनझुन्ना बजाएंगे ना? नहीं नहीं, झुनझुन्ना नहीं बजाएंगे। अच्छा झुनझुन्ना नहीं बजाना। अरे देखिए एगो पार्टी, देखो भाई तुम्हारा एगो जो भागने वाला है, बोला कि झुनझुन्ना ना बजाएंगे। बजाएंगे, अभी फिलहाल अभी पढ़ रहे तो बजाएंगे जब। ऐसा ऐसा टैलेंट है कि कहिए मत। तो झुनझुन्ना में बजाने में भी टैलेंट है, अगर आप झुनझुन्ना अच्छा बजाते हैं तो झुनझुन्ना बजा करके भी जिंदगी गुजार सकते हैं। ऐसा मत सोचिए कि पढ़ना तो है ही, बिना नॉलेज के कुछ नहीं, पढ़ाई तो है, करना ही है कि नहीं? पढ़ाई भी जरूरी है। अब जो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ भी आपके अंदर जब कोई भी काम कीजिए शिद्दत से जब करेंगे तो हर वो हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। तो बस काम करना है, चाहे जैसे भी हो मेहनत करना है। जिस हिसाब से ये लोग आप लोग बजा रहे थे आज, उसी शिद्दत से उसी जोश के साथ आप लोग हमेशा बजाते रहिए और तरक्की करते रहिए, यही तो है ना। ये लोग जो है ना लोट लोट के भी बजाते हैं, इतना शानदार बजा रहे थे कि कहिए नहीं। एक ये भाई साहब है, इनको तो मैं देखा था, वो आप ढोल बजाते हैं है ना? जी सर, बड़का वाला ढोल बजाते हैं जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा अशोक राम। अशोक राम जी। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? झारखंड का। अच्छा, तो आप क्या करते हैं, यही बजाते हैं ये कि और कुछ इसके अलावा भी करते हैं? इसके अलावा भी कुछ काम करते हैं। वो का क्या काम करते हैं? वो प्लास्टर उतर। अच्छा प्लास्टर उलास्टर। अच्छा राजमिस्त्री है क्या? जी जी। अच्छा राजमिस्त्री क्या भी काम करते हैं, उसके बाद क्या बजाते हैं? यही क्या बजे? ताशा पार्टी। ताशा पार्टी, ढोल की ये झुनझुना जैसे बोला, ये ड्राम ड्राम बजाते ड्राम बोलते हैं है ना? जी जी। ड्राम के साथ साथ दराज मिस्त्री के भी काम करते हैं जी। लेकिन टैलेंट की कमी नहीं, हालांकि है तो बिहारे के, लेकिन अब ना झारखंड हो गया है तो बिहारे के ना, सब लोग तो एक ही थे। देखिए दाढ़ी वाले भी बोल रहे हैं, आपका भी वहाँ पर डायरेक्शन देख रहे थे हम। डायरेक्शन देख रहे थे कि मेरा ही मतलब चुन के लाया हुआ है, हम ही झारखंड में देखे थे तो उसको बताया, मतलब दुल्हा जो है ना उसको बताया कि हाँ देखो ऐसे है। अच्छा, तो वो भी दोस्त हुए? हाँ हाँ दोस्ती है। तो मेरा ही काम है कि उनको दिखाए और वो देखा तो उसको अच्छा लगा, तो देखकर अच्छा लगा वहाँ से नंबर निकाले, उसके बाद कॉल किए, बात हुई, बातचीत करने के बाद पेमेंट हुआ और करने के बाद लोग यहाँ पे आए हैं। बहुत बढ़िया। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारा प्रयास, इनका प्रयास अच्छा लगा होगा। और जाते जाते बहुत ही मेहनत किए, इतना अच्छा लगा। हाँ। कि ये लोग अभी शादी 2 लोगों का ठीक नहीं हुआ है। हाँ। फिर भी ये लोग एडवांस, अब समझ लीजिए कि ये लोग बुक ही है। हाँ,
बहुत ये लोग हो गए बुक हो गए हैं। नहीं बुक हो गया। हाँ, बुक हो गए हैं। मार्च में तो ये लोग फिर आने वाले हैं। हाँ मार्च में आप लोग का सेटअप बुक है जी। अभी मेरा भी शादी नहीं है, मेरा भी शादी में बजाओगे? एकदम क्यों नहीं बजाएंगे, जरूर बजाएंगे। एडवांस बुकिंग। इनके भाई जो है पहले ये ताशा पार्टी को संभालते थे, लेकिन इनके भाई को जो है फौज में नौकरी लग गया तो वो फौज में चले गए और वहां पर अब जो है देश को सेवा कर रहे हैं। और ये जो है अब ताशा पार्टी बजाते हैं और साथ ही साथ जो है पूरा टीम को संभालते हैं और अपनी विरासत को बचाए हुए हैं, क्योंकि इनके पिताजी भी जो थे ताशा ही बजाते थे और इनके भाई बजाते थे, तो भाई फौज में चले गए, उसके बाद ये बजाते हैं। और अब देखना है कि ये भी फौज में जाएंगे तो फिर कौन बजाएगा जी? आप लोग बजाइएगा, है ना? है ना, से बोल रहा हूँ। ठीक है, ऐसा ही होता था जब कोई राजा है और राजा मर गया तो उसके बेटा राजा बनेगा, चाहे तो उसका भाई राजा बनेगा। अगर कोई भाई बेटा नहीं है, भाई नहीं है, तो उसका जो चचेरा भाई है वो बनेगा, या उसका कोई गोतिया वाला बन जाएगा, चाहे तो और कोई बन जाएगा, दूसरा कोई हमला करके बन जाएगा, लेकिन बनेगा ही बनेगा, है ना? उम्मीद करता हूँ कि हमारा यह प्रयास, इनका प्रयास अच्छा लगा होगा। और ये सभी लोग जो है युवा हैं और मेहनत करके जो है ये लोग संघर्ष कर रहे हैं। ये जैसा कि ये झुनझुना बजाते हैं, ताशा बजाते हैं, राजमिस्त्री के भी काम करते हैं, सोचिए कि कैसा ये लोग के पास टैलेंट है। काम के साथ साथ जो है ये लोग अलग से भी ये काम करते हैं और अच्छा टैलेंट है इन लोग के पास, बहुत अच्छे से बजाते हैं, कह नहीं सकते उसके बारे में। जब आप लोग सामने से देखेंगे तो देखते रह जाएंगे। उम्मीद करता हूँ, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। आप हाँ आप देख रहे थे सीके टीवी इंडिया न्यूज, चित्रंजन कुशवाहा के साथ। नमस्कार, जय हिंद।